अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं भगारे बैंगन, जो कि ज़्यादातर लोगों को बैंगन पसंद नहीं होते, बट अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए मैंने 6 बैंगन लिए हैं, छोटे छोटे बैंगन हैं ये, और इन पे मैंने कुछ इस तरीके से कट्स लगा लिए, एक इस साइड पर और फिर एक दूसरी साइड पर, ये देखिए, ताकि हम इसमें मसाला भर सकें। ये मैंने इसलिए लगाए हैं, आप अच्छे से इन टोटल ऑलमोस्ट 4 कट्स हो जाएंगे जो कि आपने लगाने हैं। और फिर आइए अब हम अपने आगे के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ब्राउन शुगर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 टेबलस्पून ऑफ खोपरा कोकोनट पाउडर, 4 टेबलस्पून ऑफ मूंगफली, 2 टीस्पून ऑफ पॉपी सीड्स यानी कि खशखश, 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया, और 2 टेबलस्पून ऑफ सेसमी सीड्स यानी कि तिल। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी कुटा धनिया जो कि मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है, अनियन चॉप्ड, लेमन अपने हिसाब से टू टेस्ट, और ये कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं मेरे पास 2-3 जो कि मैंने इस तरह से बीच में से कट कर ली हैं। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ज़ीरा जो कि 1/2 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स एंड एक कश्मीरी मिर्च। इसके अलावा हम लेने जा रहे हैं 6-7 टर्मरिक यानी कि इमली, जिसको मैंने पानी में भिगो लिया और अच्छे से उनका रस निकाल लिया है, और ये हमारे पास आ जाता है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब ये मैंने पतीली गरम कर ली है हल्की सी, आप इसको बहुत ही स्लो हीट पे पकाएंगे। इनको हमने हल्का हल्का सा पका के थोड़ा सा लाइट गोल्डन कर लेना है। प्लीज़ ये याद रखिएगा, आप इसको बिल्कुल मत जलाइएगा, नहीं तो आपका जो शोरबा है वो बिल्कुल जो आपकी कढ़ी है वो बिल्कुल कड़वी सी बनेगी। ये मैं बिल्कुल स्लो हीट पर आहिस्ता आहिस्ता से भून रही हूँ, और आपने इसको लाजमी चलाते रहना है, वरना ये एक तरफ़ से जल जाएगा और बाकी तरफ से नहीं बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए जिस तरह से इसका कलर आ गया, अब मैं हीट को बिल्कुल बंद कर दिया है, और अब हमने जो काम करना है वो है ये कि मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब मैं अपना ये सारा जो पीनट्स कोकोनट पॉपी सीड्स ये जो कुछ भी है मैं इसको इसमें डालकर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जल्दी जल्दी डाल लीजिए। अभी मैंने इसको ऐसे ब्लेंड किया, और अब मैं पानी डाल के भी इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये एक अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब हम अपने आगे की रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये जो जिन बैंगन्स पे मैंने कट लगा लिए थे, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा नमक, थोड़ी थोड़ी लाल मिर्च इस तरह बिल्कुल इसके इसमें भर दूँगी, और थोड़ी सी हल्दी भी, थोड़ा थोड़ा मसाला लगा दीजिए। और अब हम अपने बैंगन को फ्राई करेंगे थोड़ा सा, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके रखें ताकि बैंगन हमारे थोड़े से गल जाएं, और थोड़े से बैंगन हमारे जब हम इसको कढ़ी में ऐड करेंगे ये तब गलेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए और बैंगन कच्चे ना रहें, इसलिए पहले फ्राई करना इम्पोर्टेंट है 6 मिनट्स के लिए। साथ साथ इसको मिक्स भी करते जाएं ताकि ये ना हो कि एक तरफ से बैंगन पक जाए और दूसरी तरफ से कच्चे रह जाए।
ये देखिए ये अब बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। इनको मैंने तकरीबन 6 to 7 मिनट्स के लिए बनाया है, बिल्कुल स्लो हीट पे। इसको भी हमने बिल्कुल बर्न नहीं करना। और अब हम इसको सेपरेटली अलग से वापस प्लेट में रख देंगे। ये देखिए अब मैंने उसी पॉट में थोड़ा सा ऑयल ऐड और किया है, थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है। हमें कोई न्यू पॉट लेने की ज़रूरत नहीं, हम सारा कुछ एक ही पॉट में बनाएंगे, जिसमें अब मैं हमारी 1 मीडियम फाइनली चॉप्ड अनियंस ऐड कर रही हूँ। और इसको हम बिल्कुल लाइट गोल्डन कर लेंगे। इसको भी हमने बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना। हमारी जो करी का कलर है वो आखिर में बिल्कुल गोल्डन सा आना चाहिए। और अब मैंने इसमें बाकी के ज़ीरा, कश्मीरी मिर्च और मस्टर्ड सीड्स भी ऐड करके मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। अब मैं इसमें साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून जो कि हमने लिया था। अब मैं इसको अच्छे से लाइट गोल्डन होने तक पकाऊंगी। अब देखिए आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी की स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक है। और इसको मैं दोबारा पकाऊंगी। मेक श्योर कीजिएगा कोई भी मसाला आपका कच्चा नहीं रह जाए। अब मैं इसमें टर्मरिन ऐड कर रही हूँ, इमली का पानी, और कुछ इमली भी इसके अंदर है वो जो कि हमने पानी में साथ भिगोई थी, सब मैंने ऐड कर दी हैं। अब ये वो पेस्ट है जो कि हमने ब्लेंड किया था खोपरे और पीनट्स का। अब इसी में हम ऐड करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये भी अच्छे से हम पका लें। ये देखिए अब इसको आप मिक्स कर लीजिए दोबारा से। बार बार मिक्स करना एक्चुअली में बहुत ज़रूरी होता है। और ये अब अच्छे से आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ, उसी उसमें जिसमें हमने ब्लेंड किया था। आप प्लीज़ उसको ज़ाया मत कीजिए, वो सिंक में जाने से बेहतर है आप उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें कर लें। अब ये हमने दोबारा से अच्छे से पका लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। और अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। आप प्लीज़ देख लीजिएगा कितने अच्छे से इसका ऑयल अलग हो चुका है। आपका भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। और अब हम इसमें हमारे फ्राइड बैंगन शामिल करेंगे, ताकि ये इसके साथ भी एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए पक जाए, फिर ये अच्छे से गल चुके होंगे, वो भी स्लो हीट पे। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह मसाला डाल दीजिए। ये देखिए मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा धनिया इसी टाइम। बाकी की मिर्चें मैंने बचा ली हैं, बिकॉज़ मेरी मदर हमेशा बाद में खाती हैं, तो मिर्चों का कलर ख़राब नहीं हो, इसलिए मैं बाकी बाद में ऐड करती हूँ। ये अब मैं कवर करके पका लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका तेल अलहदा हो चुका है।
और अब ये मैंने गार्निशिंग के लिए पूरी डाल दी है ताकि हम सब अच्छे से खा सकें। अब मैंने इसको 2 मिनट्स के लिए और पकाना है और आप देख सकते हैं, मैं आपको ज़रा चेक करवा दूँ, ये बिल्कुल इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे भगारे बैंगन बिल्कुल रेडी हैं एंड इट्स रेडी टू सर्व। आप प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।